गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स। यानी द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक एंगल का मेजर जो है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल के। यानी ट्रायंगल का जो सबसे छोटा एंगल है उसके ट्वाइस अगर कर दिए, यानी उसको डबल कर दिए, तो हमें ट्रायंगल का दूसरा वाला एंगल मिलेगा। और उसी स्मॉलेस्ट एंगल की अगर थ्राइस कर दिए तो हमें ट्रायंगल का तीसरा एंगल मिलेगा। तो हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ 3 एंगल्स। हमें ट्रायंगल के 3 मेजर्स फाइंड करने हैं। स्मॉलेस्ट एंगल को कंसिडर करके ही 2 कंडीशन दिए हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखो, लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स। क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल को लेके ही 2 कंडीशन है, यानी स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस करोगे तो दूसरा एंगल मिलेगा ट्रायंगल का, और उसी का स्मॉलेस्ट एंगल का अगर थ्राइस करोगे तो थर्ड एंगल मिलेगा हमें ट्रायंगल का। इसीलिए हमने स्मॉलेस्ट एंगल ले लिया एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द मेजर ऑफ अदर 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर स्मॉलेस्ट का ट्वाइस और स्मॉलेस्ट का थ्राइस। इसीलिए ट्रायंगल का अगर पहला एंगल एक्स होगा तो दूसरा 2x रहेगा और तीसरा 3x रहेगा। फिर हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। सो इनकी एडिशन होती है 6x, 6x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 बाय 6, तो x मिला 30 डिग्री। यानी ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट एंगल हमें मिल गया 30। अब इसको ट्वाइस करो और इसी का थ्राइस करो तो हमें ट्रायंगल के बचे हुए एंगल मिलेंगे। सो सबसे छोटा 30 डिग्री, उसका डबल किए तो 60 डिग्री, और उसका थ्राइस किए तो 90 डिग्री। इसीलिए मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरीके से हमें ट्रायंगल के तीनों भी एंगल मिल गए। अब हम पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन। नाउ 5th क्वेश्चन, इन द फिगर मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये फिगर दी है, इसमें कुछ एंगल्स दिए हैं और जो एक्स वाई जेड अननोन दिख रहे हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 दिया है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया और वाई जो है वो इंटीरियर एंगल है। सो अगर हमने ये 100 और y इनके एडिशन कर दिए तो हाफ सर्कल मिलता है, लीनियर पेयर वाले एंगल है वो। सो इनके एडिशन, इन दोनों के एडिशन आ जाएगी 180 डिग्री। सो फिर 180 से 100 माइनस करेंगे तो y का मेजर मिल जाएगा 80 डिग्री। उसी तरीके से z प्लस 140 करोगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि हाफ सर्कल बन रहा है, लीनियर पेयर वाले ये दोनों एंगल है। फिर 180 से 140 निकाल दिए तो 40 डिग्री मिलेगा। तो z का मेजर हो गया 40 डिग्री, y का मेजर हो गया 80 डिग्री। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ENM, और ENM ट्रायंगल में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें y की जगह पे 80 लिखेंगे, z की जगह पर 40 लिखेंगे, x एज इट इज़ रखेंगे इज इक्वल टू 180, और फिर 180 से इन दोनों की सम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x। इस तरीके से तीनों भी अननोन की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। सो देखो इसके स्टेप्स, तो देखो 100 प्लस y किया हमने तो 180 मिला। 100 वाला एंगल जो एक्सटीरियर था ये उसका नाम है TEN, और y जो इंटीरियर था NEM उसका नाम है। सो 100 प्लस y किया तो 180 मिला। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी y की वैल्यू आ गई 80। उसी तरीके से 140 प्लस z करना है इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर है। 140 का एंगल है
EMR और Z दिया है EMN, फिर Z is equal to 180 minus 140, तो Z मिला 40 डिग्री। फिर हमने कंसिडर किया वो ट्रैंगल, ट्रैंगल के इंटीरियर एंगल की सम 180, सो सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल इज 180। सो x हमें फाइंड करना है, y हमने 80 निकाला, z हमने 40 निकाला, इज इक्वल टू 180। इन दोनों की सम 120 होती है, सो 180 से 120 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा x। तो हमें फाइंड करनी थी x, y, z की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 40। नाउ वी विल सी द सिक्स्थ एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, फाइंड द मेजर ऑफ डी आर ई एंड ए आर ई यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल्स। यानी ये जो फिगर है, इस फिगर में ये ए बी लाइन पैरेलल है डी ई को। अब अगर ए बी और डी ई पैरेलल है तो ए डी बन जाएंगी ट्रांसवर्सल, तो ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएंगी, और ये ट्रांसवर्सल बनेंगी तो इस एंगल का अल्टरनेट एंगल बनेगा ये, और दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अगर 70 का है तो ये भी 70 डिग्री का रहेगा। अब हमें फाइंड करने को बोला है ए आर ई और डी आर ई। ए आर ई यानी ये हमें फाइंड करना है, और डी आर ई ये भी हमें फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए आर ई। ए आर ई फाइंड करने के लिए हम पहले ये ट्रायंगल देखेंगे डी आर ई। इस ट्रायंगल को अगर हमने कंसिडर किया तो ये ए आर ई इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल से ये एक्सटीरियर एंगल यानी सम हो जाएगा 70 और 40 का, तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल यानी ए आर ई मिल जाएगा, तो पहला हो जाएगा। अब हमें निकालना है डी आर ई। अब डी आर ई के लिए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डी आर ई ट्रायंगल कंसिडर करके उसके दो एंगल है आपके पास, ये एडिशन 180 से माइनस कर दो तो आर मिल जाएगा, अदरवाइज ये बाहर का एंगल आपके पास है इसी को ऐसे कर दो, यानी इन दोनों के एडिशन लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो 180 से ये बाहर वाला माइनस कर दो तो बचा हुआ अंदर का मिलेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो देखो हमने लिखा लाइन ए बी पैरेलल है डी ई को, तो ए डी ट्रांसवर्सल बन जाएंगी। इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों कौन है, अल्टरनेट एंगल है, लेकिन उसमें से ये एंगल 70 का दिया है तो ये भी 70 का बन जाएगा। अब यहाँ पे फिगर में ई डी ए देखो, ई डी ए यानी ये ई से चालू हो रहा है ए तक जा रहा है। हम ए तक जाएं या आर तक जाएं, डी मेजर इम्पॉर्टेंट करता है, डी बीच में है 70, तो आप डी ई डी ए बोलो या ई डी आर बोलो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने ई डी ए की जगह पे ई डी आर किया है। उसके बाद फिर हमने रिमोट इंटीरियर एंगल वाला यूज़ करना है थ्योरम, तो हमने एक्सटीरियर एंगल लिख दिया, ए आर ई इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर डी ई। देखो ए आर ई ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, फिर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये 70 है ये 40 है तो सम आ गई 110। तो हमें एंगल ए आर ई निकालना था, वो मिला 100 डिग्री। अब हमें निकालना है डी आर ई, तो ए आर ई और डी आर ई के एडिशन किए तो 180 मिलता है लीनियर पेयर, सो ए आर ई 110, डी आर ई एज इट इज़ 180 डिग्री। फिर 110 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो डी आर ई मिलेगा 70 डिग्री। इस तरीके से हमने दोनों भी एंगल फाइंड की। ये एंगल फाइंड करने के लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड एंगल सी इज 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ
AOB, यानि अगर हम एक ट्रायंगल निकालते हैं ABC, तो A एंगल का बायसेक्टर और B एंगल का बायसेक्टर O पॉइंट में मिल रहे हैं, तो बायसेक्टर यानि हाफ हाफ में डिवाइड होगा, ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। और C का मेजर हमें दिया है 70 डिग्री, ये जो ऊपर में C है वो 70 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है AOB। ये जो एंगल है AOB, ये AOB एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये बायसेक्टर की वजह से ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, तो सपोज इसको हम XX ले लेंगे और B के लिए YY ले लेंगे। फिर उसके बाद ABC ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और उसके बाद ये छोटे ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमें AOB मिल जाएगा। देखो इस तरीके से हमने फिगर बनाई है, तो अभी हम इसको और इसको X नाम दे देंगे, यानि हम लिखेंगे CAO प्लस इक्वल टू OAB, CAO और OAB, यानी ये वाला और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि AO क्या है, बायसेक्टर, तो उसको हम X डिग्री लिख लेंगे। उसी तरीके से CBO और COBA, CBO यानी ये वाला एंगल और OBA यानी ये वाला एंगल, तो इसको हम YY ले लेंगे, इसको XX ले लेंगे। तो देखो एंगल CAO इज कॉन्ग्रुएंट टू OAB, क्योंकि AO उनका बायसेक्टर है, तो इन दोनों को हमने X ले लिया। उसी तरीके से CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू OBA, BO बायसेक्टर है, तो उन दोनों को हमने Y ले लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ये जो है CAB एंगल, ये पूरा एंगल जिसमें ये दोनों आएंगे, ये पूरा एंगल यानि इन दोनों की सम। उसी तरीके से CBA, ये पूरा एंगल यानि दोनों Y की सम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CAB इज इक्वल टू दोनों X की सम और CBA यानि दोनों Y की सम, तो उसको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दे दिया। अब हम पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, सी ये ABC वाला, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और उसके बाद ये छोटा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल CAB, ACB प्लस CAB प्लस CBA यानि बीच के एंगल, देखो C प्लस A प्लस B, इनके एडिशन 180 डिग्री हो रही है, लेकिन A और B, ये CAB और CBA, AB की ये 2x है, इसकी वैल्यू 2y है, और ये जो C एंगल है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी है 70, तो लिख दिया हमने 70 प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, तो x प्लस y इज इक्वल टू ये 180, ये 70 को शिफ्ट कर दिया, सो माइनस 70, सो x प्लस y इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2, सो x प्लस y इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब हम जब छोटे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहाँ पर हमें इस x प्लस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 55। फिर हमने लगा दिया छोटा ट्रायंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी, सो AOB प्लस OAB प्लस OBA, यानी बीच का OB आ गया, AB आ गया और BB आ गया, उसमें से ये तो X है और ये Y है, हमने इक्वेशन 1 और 2 में लिखा है, और हमें AOB फाइंड करना है, तो AOB एज इट इज़ रखो। X प्लस Y की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है 55, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे लिखा 55, सो इज इक्वल टू 180, 55 शिफ्ट हो जाएगा, माइनस होगा, तो AOB मिल जाएगा हमें 125। तो ये जो AOB है ये होगा 125। सो इस तरीके से हमारे 7 एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।